नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, बीजेपी की जीत के लिए दूसरे राज्यों से आए विस्तारकों की अब चुनाव खत्म होने के बाद घर वापसी हो रही है। विधानसभा क्षेत्रों में 4 माह से अधिक समय गुजार कर लौटे इन विस्तारकों के साथ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उनके फील्ड में रहने के दौरान किए गए कामों की सराहना की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने का संकल्प कर चुकी है। बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेगी। पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर एमपी की 29 सीटें 68% वोट शेयर हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि विस्तारकों ने 4 महीने में सूक्ष्म प्रबंधन किया है। आज इन्हीं पर्दे के पीछे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। हम संगठन काम के लिए समीक्षा करते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि 55 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अविश्वास करते हैं। इन्होंने प्रवक्ताओं को मीडिया डिबेट के लिए मना किया, उन्हें मीडिया से एलर्जी है, चौथे स्तंभ पर प्रहार किया है। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए बहाने हार का बहाना बनाने के लिए दिग्विजय और नकुलनाथ बहाने पहले से ही ढूंढ रहे हैं। नकुलनाथ को अधिकारियों से परेशानी है। दिग्विजय सिंह कभी ईवीएम कभी वोटिंग परसेंट का बहाना बनाते हैं। नकुलनाथ को छिंदवाड़ा की जनता ने नकारा दिया है। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संभागीय टोली के सदस्य सम्मानीय जहर सिंह जी को। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की जय। आदरणीय हितानंद जी और इस योजना के विस्तारक इस नाते से लोकसभा विधानसभा के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और आपका अपने अपने क्षेत्र के बारे में जो इतने दिनों का एक अनुभव हम सब कार्यकर्ताओं को जो मिला है उस पर आज हम माननीय शिव प्रकाश जी के साथ भी विजय बहादुर जी, हितानंद जी, अपन सब लोग मिलकर के आज इस पर चर्चा यहाँ पर निर्भर करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी विस्तारक कार्यकर्ताओं को आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में हम सब लोगों ने जो प्रयास किए थे और उसके अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश को मिले, आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोकसभा और विधानसभा के हमारे विस्तारक जो टोली है जो आज यहां पर बैठी है, इन्होंने भी अथक मेहनत और परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव में लोकसभा के अंदर भी जो एक आज हम सब देख रहे हैं इतिहास बनने का समय हमारे बीच आने वाला है। 4 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो आप सब लोगों ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है उसका परिणाम मध्य प्रदेश में हम सबको दिखाई देगा। मीडिया के अंदर कई एजेंसी काम कर रही है, कई प्रकार के सर्वे, एग्जिट पोल, उन सबसे भी जब चर्चा आज उभर करके आ रही है तो लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार 29 की 29 सीटें आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर दी गई। इसके अंदर आम जनता जनार्दन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ ये चुनाव आज पूर्णता की ओर है और मुझे विश्वास है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ
इस बार विजयश्री हासिल करेगी। कल भी मैंने मीडिया के मित्रों को कहा था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, परिश्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजना और विकास, इस आधार पर मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने जो 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही थी, मुझे विश्वास है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तब हम 58 से 68% वोट शेयर प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। आज मध्य प्रदेश के हमारे सभी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के जो हमारे विस्तारक कार्यकर्ता थे, जो लगातार 4 महीने से अपना पूर्ण समय लगाकर चुनाव की रणनीतिक तैयारी में, सूक्ष्म प्रबंधन चुनाव में किस प्रकार से करना होता है, तो ऐसे कार्यकर्ता जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, वो मंचों पर नहीं होते, लेकिन कुशल रणनीति के साथ, संगठन तंत्र के मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ को एक्टिवेट और मोटिवेट करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे आज कार्यकर्ताओं की हमारी दिन भर बैठक चलने वाली है। अभी उद्घाटन सत्र हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है, अभी आज हमारी ये बैठक है, बाद में फिर चुनाव प्रबंधन, फिर हमारे लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के विस्तारक, इन कार्यकर्ताओं की भी समीक्षा बैठक है। हम अपने संगठन काम की दृष्टि से कि जो इतने समय तक उस क्षेत्र में रहे हैं, तो आगामी समय में संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी अपनी भूमिका और गंभीरता के साथ कैसे बने, इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया है और आगामी समय में और हमारी समीक्षा की बैठकें होंगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम किया, उसका परिणाम 4 तारीख को सकारात्मक तौर पर देश के अंदर मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जिसने 55 वर्षों तक देश पर राज किया है, और अगर मैं ये कहूं कि आप जब 55 वर्षों तक राज कर रहे थे तो अलोकतंत्र कर रहे थे क्या? हालांकि आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम काम करता है तो वो संविधान कानून के दायरे में करता है, और कानून से कोई हटके जाता है तो समाज उसका जवाब देता है। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना अविश्वास कि हमारे प्रवक्ता मीडिया के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, यानी इसका अर्थ है कि आपने ये आक्रमण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया कांग्रेस ने। भाई मीडिया कोई बायस दे क्या? भाई ओपिनियन है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी 100% एक्यूरेट होता है, कभी 80% होगा, कभी 50% होता है, तो इससे आपको एलर्जी क्यों है? ये केवल बहाना है कि जो हार हमारी हो रही है, जनता ने हमें नकार दिया है, तो इसलिए कांग्रेस आज इन सारे बहानों को ढूंढ रही है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। अरे मैदान में आओ ना, जीत और हार तो रहती है। हम तो वो दल हैं जो केवल 2 लोग थे संसद में, तब मजाक उड़ाते थे, तब अटल जी ने कहा था आप मजाक उड़ाओ, समय बदलेगा, हम यहां पर हैं, आप वहां पर होंगे, और आज हो रहा है देश के अंदर। तो इसीलिए कांग्रेस आज हार के डर के कारण बहाने ढूंढ रही है और इस प्रकार के चीजें करने का प्रयास कर रही है, जिससे हम अपने आप को ये बताएं हम बहिष्कार करते हैं। काय का बहिष्कार कर रहे हो भाई? ओपिनियन आ रहा है, जवाब दो। आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है तो बोलिए ना कि आपकी सरकार बन रही है। देखते 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सरकार किसकी बन रही है? तो इसलिए डर है कांग्रेस को, ये भय सता रहा है उनका। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।